सो गाइज, आज की वीडियो से आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। आज है संडे और आज हम कर रहे हैं कुछ स्पेशल। तो गाइज, हम लोग जो है अपने फोन को एक ही तरह से यूज कर करके हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा बोर। तो आज हमने आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताया है जिसके बारे में आप जानते तो हो बट यूज नहीं करते। तो आज हमने आपको उस चीज को यूज करके बताया है कि क्या आपको इसका यूज करना चाहिए और इसको यूज करने से आपके मोबाइल पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपने फोन का बहुत ही ज्यादा यहाँ पर नया कर सकते हो, बोरिंग से इंटरेस्टिंग बना सकते हो, नया एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। क्या है ये सब चीजें, सब कुछ जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे और इस वीडियो को शेयर करना बनता है। इतनी नई चीज आपके लिए, नया कंसेप्ट सोचा है तो शेयर करना गाइस बनता है। लाइक करो क्या भाई, लाइक कर दो जल्दी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस लाइक कर देना, करो लाइक यार, जल्दी करो। सो गाइस, ये हम सभी जानते हैं कि जब हमारा फोन नया नया आता है, जब हम उसको सेटअप करते हैं तो उसमें जो लैंग्वेज होती है वो होती है इंग्लिश, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा फोन होता है। तो हम जो है इसको चलाते हैं, 3-4 महीने, 5-6 महीने चला लेते हैं और उसके बाद जो है हमको थोड़ा सा बोरिंग फील होने लग जाता है। एक ही चीज़ की जो है आदत हो जाती है, एक ही चीज़ को जो है वही बार बार करते हैं तो काफ़ी बोरिंग सा यहाँ पर लगता है। तो क्यों ना गाइज फ़ोन की लैंग्वेज को चेंज करके हिंदी किया जाए या जो आपको पसंदीदा आपकी भाषा है उसको किया जाए। क्या आपको पता है लैंग्वेज एंड इनपुट वाले फीचर पर आप बिल्कुल, फ़ोन का कवर टूट गया, लैंग्वेज एंड इनपुट वाले फीचर पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वहाँ पर लैंग्वेजेस इतनी सारी दी गई हैं, जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगती है उसको आप सेट कर सकते हो फ़ोन पर। तो सोचो गाइज वो चलाने में कितना इंटरेस्टिंग लगेगा और वो आप आगे जानोगे, है ना। फ़ोन के ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, ऑप्शंस हैं जिनका आप यूज़ नहीं करते बट आपको पता है लेकिन यूज़ नहीं करते। तो इससे जो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। फिर आप हिंदी को 6 महीने चलाओ, फिर पंजाबी को चलाओ, फिर उर्दू को चलाओ, तो इस तरह से आप अपने फ़ोन को जो है लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो और आप बोर भी नहीं होगे, ठीक है। और मैं ऐसी जो है बहुत ही जल्द एक और वीडियो भी लाऊंगा जिसमें कि आपको मैं और टिप्स दूंगा जिससे कि आप अपने फ़ोन को नया बना सकते हो, पुराने से नया बना सकते हो, बोरिंग फ़ोन को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। वो हम आगे वीडियोज़ में बात करेंगे। तो आज हम जो लैंग्वेज एंड इनपुट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत मज़ा आएगा लैंग्वेज चेंज करते, देखिए। और यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट भी आपको लास्ट में बातें बताऊंगा कि क्या आपको इसको चेंज करना चाहिए, इसको चेंज करने से क्या प्रभाव पड़ता है, सब कुछ मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो हम जो है सेटिंग में चलते हैं अपने फोन की। अभी जो है हमारा फोन इंग्लिश में ही है, सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको जो है एडिशनल सेटिंग में जाना है या आपको लैंग्वेज एंड इनपुट जहाँ पर भी मिल जाए। एडिशनल सेटिंग में मिलता है हमको लैंग्वेज एंड इनपुट। Region India, 3 of 30, full screen display region, languages and input. इस पे जाएंगे। Languages and input. Input methods. Languages, English, United States, 2 of 10. और यहाँ पर जो आ रहा सबसे पहला ऑप्शन languages, English, English, United States. इस पे आपको क्लिक करना है। Languages. अब यहाँ पर आपको जो है आपकी जो भी पसंदीदा भाषा है उसको सिलेक्ट करना है। मैं जो हिंदी को सिलेक्ट करूँगा। Not checked. Radio button. English, India. फाइंड करते तब तक आप सब वीडियो को जो है लाइक कर दो जल्दी से। सो गाइस हमको जो है यहाँ पर हमने लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया है, हिंदी लैंग्वेज जो है हमको मिल गई और हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर लगभग मेरे फोन में 77 लैंग्वेजेस हैं, आपके फोन में हो सकता है ज्यादा भी हो कम भी हो, लेकिन जो आपकी फेवरेट भाषाएं हैं वो लगभग आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। तो अब यहाँ पर हिंदी को सिलेक्ट करते ही आपको सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को चेंज करते ही आपको अपने फ़ोन को सबसे पहले रीस्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस में लैंग्वेजेस अपडेट नहीं होती हैं। तो आपको अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है लैंग्वेज चेंज करके। और जब आप लैंग्वेज चेंज करोगे तो हो सकता है आपका फ़ोन थोड़े टाइम के लिए हैंग हो, लेकिन उस पर आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि आपका फ़ोन एक तरह से रीस्टार्ट होता है लैंग्वेज के मामले में, है ना। तो यहाँ पर अब मैं करने जा रहा हूँ अपने फोन को रीस्टार्ट, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। आप जो है वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से अगर आपने नहीं किया है तो। तो यहाँ पर रीस्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल ही दिखा देता हूँ। देखिए 3 सेकंड रिकॉर्डिंग रोके, देखिए एप्स लिस्ट बोल रहा है, है ना, ये सब बोल रहा है। आधी चीजें यहाँ पर इंग्लिश में है। अभी स्क्रीन रिकॉर्डर 11 सेकंड, देखिए रिकॉर्डिंग रोके। क्या यार कितना मस्त लग रहा है, रिकॉर्डिंग रोके, रिकॉर्डिंग प्रारंभ करे, आगे अभी और मजा आने वाला है। तभी बोल रहा हूँ लाइक कर दो, तब तक मैं रिस्टार्ट करके आता हूँ। सो गाइस हमने अपना फ़ोन जो है रीस्टार्ट कर लिया है। अब यूज़ करने से पहले मैं आपको कुछ बातें यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, लैंग्वेज चेंज करने के बाद ये हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि सारी एप्लीकेशंस इस लैंग्वेज को सपोर्ट करें। वैसे तो मोस्टली एप्लीकेशंस में लैंग्वेज चेंज हो जाएगी,
बट जैसे मेरा लॉन्चर है देखिए, व्हाट्सएप है, शनिवार 4 दिसंबर है ना, ये हिंदी में है, टेलीग्राम स्टूडियो है ना, वाईटी स्टूडियो को ये वाईटी हिंदी में बोल रहा है, बाकी इंग्लिश में। तो इस तरह से यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारी नहीं, कुछ एप्लीकेशंस लैंग्वेज को फुल सपोर्ट ना करें, आधा हिंदी में बोले आधा इंग्लिश में बोले। लेकिन जब आप अपने फ़ोन का एक बार नेट ऑन करोगे तो लैंग्वेज की जो सर्विसेज है हर एक एप्लीकेशन के लिए अपडेट होंगी, तो उनको आपको होने देना है। अब उसके बाद यहाँ पर हो सकता है कि वो लैंग्वेजेस, वो एप्लीकेशंस भी आपकी इस लैंग्वेज को सपोर्ट करने लग जाए। अभी हमारा इंटरनेट जो ऑफ है, ये सब जो हमने किया है ये इंटरनेट ऑफ में किया है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। बाकी कीबोर्ड वगैरह की लैंग्वेज जो आपने ऐड की है वो वही रहेंगी। यहाँ पर फ़ोन की लैंग्वेज चेंज हुई है ना, जो कुछ वो इंग्लिश में था उसको हिंदी में एक तरह से ट्रांसलेट कर दिया गया है। अभी हम आगे यूज़ करके देखेंगे तो देखिए कितना मज़ा आएगा, है ना, ये इस पर प्रभाव पड़ेगा। अब ये भी बात कर लेते हैं क्या हमको इसको चेंज करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए फ़ोन में ऑप्शंस सारे, जितने भी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं उनका यूज़ हमको करना चाहिए। वो ऑप्शंस अगर हमें यूज़ ही नहीं करने होते तो वो दिए क्यों जाते, है ना। तो सिंपल सी बात है, आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में स्विच कर सकते हो, बट आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट रीस्टार्ट आप नेट वगैरह ऑन ना करें, या अगर नेट ऑन है तो ऑफ ना करें, क्योंकि लैंग्वेज सर्विसेज अपडेट होती हैं। तो रीस्टार्ट करना एक बार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका फ़ोन हैंग वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पहली बार होगा, उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये यहाँ पर चीज़ें हैं, बिल्कुल आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, बट पूरी प्रिकॉशंस के साथ, मतलब पूरी कंस्ट्रक्शंस के साथ आप इन चीज़ों को फॉलो करें, इंस्ट्रक्शंस या कंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस के साथ, क्या करें, अंग्रेजी आती नहीं आ रही इतनी। तो यहाँ पर ये हो गई बात। अब हम इस फ़ोन को जो थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं, सबसे पहले नोटिफिकेशन शेड खोलते हैं। देखिए सूचना शेड 7:07 देखिए सूचना शेड कितना मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है, टाइम भी हिंदी में बता रहा है, सेटिंग्स है ना बटन। ये सिर्फ एक हिंदी का एग्जांपल था, आप जो है किसी भी लैंग्वेज में इसको ऐसे कर सकते हो। शनिवार 4 दिसंबर रिंगर मॉन, हर बार जो है आपको नया एक्सपीरियंस। क्विक सेटिंग खोलेंगे, देखिए तीव्र सेटिंग्स, तीव्र सेटिंग बोल रहा है, स्थान रिपोर्टिंग चालू है। इससे पता है एक बात और होगी, जो आपकी फेवरेट लैंग्वेज है या जो आपकी मतलब लैंग्वेज है जो बोली जाती है आपके उधर, उसमें आपका यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा, क्योंकि इंग्लिश सुन सुन के जो है हम यहाँ पर मतलब पक सा जाते हैं थोड़ा सा, एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करते समय। तो हिंदी अगर आप करोगे ना तो इसमें शुद्ध हिंदी हो जाती है, तो आपके जो प्रोनाउंसिएशन है ना आपकी लैंग्वेज में वो यहाँ पर और क्लियर होंगी, है ना। तो आपकी यहाँ से लर्निंग भी बढ़ने वाली है, तो ये इससे आपको एक और फ़ायदा है। लॉक स्क्रीन, स्थान रिपोर्टिंग चालू है। देखिए स्थान रिपोर्टिंग यानी कि लोकेशन, है ना, लोकेशन को भी बंद करेंगे, स्थान रिपोर्टिंग बंद है, है ना। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हवाई जहाज मोड चालू हवाई जहाज मोड जो है चालू, एयरप्लेन मोड, स्वतः चमक बंद, ये है ऑटो ब्राइटनेस है, ये ब्लूटूथ सेटिंग्स खोलें, बट ब्लूटूथ बंद। चलिए कितना व्हाट्सएप खोलते हैं, देखते हैं व्हाट्सएप की लैंग्वेज चेंज हुई क्या। ये देखिए आधी चीजें इंग्लिश में आपको मैनेज करना पड़ेगा। ऐप शुरू हो रहा है, ओहो व्हाट्सएप सर्च करें, ये हिंदी में है, सर्च करें, ज्यादा विकल्प, ओहो ज्यादा विकल्प, मोर ऑप्शंस है, ये कैमरा है, चैट स्टेटस, चैट 32 है ना, चैट जो है 32 है यहाँ पर, चिन्हित यानी कि सिलेक्टेड है, ये स्टेटस है, कॉल्स है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग रोके, रिकॉर्डिंग रोके, रिकॉर्डिंग प्रारंभ करें। चलिए सेटिंग में चलते हैं, देखिए कितना मजा आ रहा है गाइस, सेटिंग सेटिंग, कृपया बैकग्राउंड नॉइस पर ध्यान ना दें। देखिए सेटिंग जो हमने खोल दी, ऑनलाइन वीडियो खोजें, खोज सेटिंग्स, ऑनलाइन वीडियो खोजें, यहाँ पर सर्च बटन है, है ना, जहाँ पर भी आपको सर्च बटन देखने को मिलेगा उसमें ये यही बोलेगा, फोन के बारे में, है ना, फोन के बारे में है, सिस्टम एप्स अपडेटेड, सुरक्षा स्थिति, बती, सिम कार्ड और मोबाइल नेटवर्क। चलिए कुछ पढ़ते हैं, फोन के बारे में, अबाउट पे क्लिक करते हैं, फोन के बारे में, डिवाइस मॉडल Redmi Note 5 Pro 15 Miui, संस्करण Miui Global 11.0, संस्करण यानी कि वर्जन, एंड्रॉइड संस्करण। देखिए मुझे लगता है बहुत ही कम लोगों को बताऊंगा कि वर्जन को संस्करण बोलते हैं, तो यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा क्लियर होने वाली है, शुद्ध हिंदी आप बोल सकते हैं जो भी आपकी लैंग्वेज है। सुरक्षा पैच का स्तर 5 अगस्त 2020, देखिए में से 7, कितना मतलब बढ़िया लग रहा है गाइस, मैं तो खुद अब इसको पर्सनली ऐसे यूज करने वाला हूँ। खाता, खास फीचर 32 में से 26, खास फीचर है, डिजिटल वेल बीइंग और अभिभाव की अन्य अतिरिक्त सेटिंग्स, एप्स, बैटरी और प्रदर्शन, लॉक स्क्रीन, मिल्की प्रो, व्हाट्सएप सूची में नहीं है, सूची में नहीं है यानी कि आउट ऑफ लिस्ट है ना। तो मैं यही आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप अपने फोन में नया नया एक्सपीरियंस ले सकते हो। चलिए अब और कुछ रीड करते हैं, फिर से सेटिंग में चलते हैं, सूचना शेड, चलिए एक बार जो है पावर ऑफ वाला बटन दबाते हैं, पावर की, शनिवार 4 दिसंबर, प्रेस ऑन द सर्च ऐप। अभी तो गाइस मैं कुछ भी नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद अगर जैसे जैसे फोन को यूज करते जाओगे ना आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगेगा। हवाई
वापस वापस है ना, बैक को वापस। हवाई जहाज, हवाई जहाज है। मौन, ये साइलेंट है। रिबूट करें, रिबूट करें। पावर ऑफ, पावर ऑफ है ना। तो अब एक्सेसिबिलिटी सिस्टम यूआई सुलभता बटन है ना, ये एक्सेसिबिलिटी बटन है, इस पे क्लिक करते हैं। सरल उपयोग सेटिंग्स है ना, यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग है। एक्सेसिबिलिटी को देखिए, सरल बता रहा है ये। पावर बटन, पावर बटन है। वॉल्यूम बटन, पंक्ति हाल ही के बटन, स्टंप दो, लॉक स्क्रीन बटन, टॉगल बटन, सूचनाएं बटन, स्क्रीनशॉट बटन, स्क्रीनशॉट वगैरह है ना। तो कुल मिलाकर गाइस, फिर से इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग में लेते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर आप देखिए कितना नया एक्सपीरियंस आपके साथ हो रहा है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को अप्लाई करें अपने फ़ोन पे और कमेंट करके बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और गाइज, आपको ये जो है टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए है ना, क्योंकि एक ही लैंग्वेज, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ही लैंग्वेज को सुन सुन के जो है हम बोर हो जाते हैं। इंग्लिश इंग्लिश में जो है हम फ़ोन चलाते हैं, लेकिन इस चीज़ का आपको यूज़ करना चाहिए। ये मैंने आज आपको एक नई चीज़ बताई, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो उम्मीद है आप इस चीज़ का यूज़ करेंगे। 6-6 महीने बाद लैंग्वेज बदलते रहो यार, इतनी सारी लैंग्वेज है, जो जो आपको लैंग्वेज आती है उसको सेट करके अपना फ़ोन चलाओ। लेकिन हाँ गाइज, लैंग्वेज को ध्यान से चेंज कीजिए। अगर गलत लैंग्वेज सेलेक्ट हो गई तो फ़ोन एक्सेस करना सबके लिए मुश्किल है, अगर वो लैंग्वेज समझ ही ना आती हो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको जो है अच्छे से लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। बाकी आप पंजाबी भी कर सकते हो, जो आपकी लैंग्वेज है उसको आप सेट कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया है इसका आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं और इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, थी ना कुछ नई चीज़। तो लाइक करना बनता है गाइज, शेयर कर देना सभी के साथ, सभी को इस बारे में बताओ यार, शेयर बहुत कम कर रहे हो आजकल, शेयर कर दो यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। स्पेशल टैलेंट ऑफ ब्लाइंड में भी आप जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल में भी आप जुड़ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।